अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जाफरी और आप देख रहे हैं ऑन द गो विद जाफरी। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं आज आपको लेके जा रहा हूं वॉर्सो पोलैंड। जब मैं पोलैंड का नाम लेता हूं तो मेरे जहन में एक ही ख्याल आता है कि पोलिश लोग जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं और बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, बहुत इंटरेक्ट नहीं करते लोगों से। शायद उसकी वजह लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर पोलिश बोली जाती है। अगर आप पोलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड डबलिन से बाय रोड जाएँ तो कैसे जाएँगे? सबसे पहले आप डबलिन पोर्ट से 3-3.5 घंटे की फेरी लेंगे जो कि आपको हॉलीहेड पहुँचाएगी आपकी गाड़ी समेत। हॉलीहेड जो है वेल्स में है। वेल्स से अपनी गाड़ी के साथ आप फेरी से बाहर आएंगे और फिर आपको ड्राइव करनी पड़ेगी वेल्स से डोवर, जो कि 6.5 घंटे की ड्राइव है। जब आप डोवर पहुंचेंगे आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन कि आप फेरी ले सकते हैं जो कि 1.5 से 2 घंटे की फेरी है। अगर आप यूरो टनल लेते हैं, यूरो टनल एक ट्रेन चलती है समंदर के अंदर से, जो कि आप अपनी गाड़ी उसके अंदर पार्क करते हैं और वो आपको डोवर टू कैले आपको विद इन 35 मिनट्स पहुंचा देती है। जब आप कैले फ्रांस पहुंच जाएंगे तो आप बेल्जियम जर्मनी क्रॉस करते हुए पोलैंड पहुंचेंगे और पोलैंड पहुंचने के बाद भी अगर आपको वॉर्सो जाना हो तो तकरीबन वो 6-7 घंटे की ड्राइव है क्योंकि वॉर्सो पोलैंड के सेंट्रल में वाक़ है। देखिए, आज मैं आपको बाय रोड नहीं लेके जा रहा हूँ, आज आप मेरे साथ जा रहे हैं बाय एयर टू वॉर्सो पोलैंड। मैंने आयरलैंड डबलिन से टिकट बुक किया वॉर्सो पोलैंड तक का, जो कि यकीन कीजिए आप 11 यूरो में 3 घंटे की फ़्लाइट है। 11 यूरो जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2200 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। 2200 रुपये में आप कराची से हैदराबाद गाड़ी में नहीं जा सकते, 2200 रुपये में आप लाहौर से इस्लामाबाद गाड़ी में नहीं जा सकते। मैंने होटल नहीं बुक किया, मैंने एक अपार्टमेंट बुक किया है जो कि 122 यूरो में मैंने बुक किया है थ्रू booking.com से, और जो कि 3 नाइट्स के लिए है। पोलैंड वॉर्सो में मेरा दोस्त है सलमान, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए क्योंकि तकरीबन 5 साल बाद मैं उससे मिलूँगा। मैंने फ़ोन कर दिया है फरहान को जो कि मुझे डबलिन एयरपोर्ट यहाँ से छोड़ के आएगा। मैं जाता हूँ, बाल कटवाता हूँ, थोड़ा सा अपना होलिया दुरुस्त करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। जी साथियों, फरहान आ चुके हैं और फरहान मुझे डबलिन एयरपोर्ट तक लेके जाएंगे। तो कोई गोल्फ रखी हुई है, वो 70 है लेकिन GTI है, 265 हॉर्स पावर है इसका, ज़बरदस्त गाड़ी है। चलें फरहान के साथ चलते हैं।
फरहान अपने स्टाइल में ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी बहुत हिला रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। हमको एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं। फरहान क्या हाल है? ठीक ठाक? सब ठीक, ठीक ठाक, मज़े में। तो ये है, अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि आइलैंड में एक गांव में कितना खूबसूरत नज़र होता है। फरहान के साथ हूँ। फरहान ये इतनी ख़तरनाक गाड़ी चलाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। फरहान के साथ एक दफ़ा मैं बैठ गया हैवी बाइक पे, ज़िंदगी में पहली मरतबा, और वो सिर्फ उन्होंने 5 से 6 किलोमीटर चलाई होगी गाड़ी, और उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि आइंदा कभी हैवी बाइक पे नहीं बैठूंगा। अभी भी ये गाड़ी देखें, इन्होंने स्पोर्ट्स गाड़ी ली हुई है और ये फुल डब्लिन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। फरहान ने ड्रॉप किया है डब्लिन एयरपोर्ट पे। अब हम जा रहे हैं पोलैंड की तरफ। ये मेरे पीछे डब्लिन एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1। तो मेरे साथ रहें पोलैंड के सफ़र में। मैंने मील डील ली है यहाँ से और 5.95 की। इधर कोको कोला है, अंकी डोरी क्रिस्प हैं, और ये एक रैप्स हैं, वेजिटेरियन रैप्स। ये है राइन एयर, मेरे पीछे देखें आप। Get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last, get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last, get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. Going up, going up, going up, going up, going up, going up. Get it that I'm never going. Chale, land karte pehle. You can ask my day one day. Cloudy days turn to sun rays. Only way to way up way. Know my way, know my feng shui. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last, get it then I'm never going back. Get it then I'm never going back. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last, get it then I'm never going back. जी, सलमान हमको लेने आए वारसा मोडलिन एयरपोर्ट। मोडलिन एयरपोर्ट से हम जा रहे हैं वारसा सिटी सेंटर। सिटी सेंटर जो कि यहाँ से 40-45 मिनट्स की ड्राइव है। तो जी दोस्तों, ये हमने अपार्टमेंट बुक कराया था। तो ये अगर आप देखें तो ज़बरदस्त किस्म का ये है, डाइनिंग है, इधर ऑफिस टेबल चेयर है, ये लिविंग एरिया है, और ये अल्लाह भर के बेड एरिया है, नॉट टू बैड। वार्डरोब है, मजे की बात है। इधर गैलरी भी है। स्टोरी थी मेरी रात तक की। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं पूरे अभी, और मैं तकरीबन 9 बजे उठ गया था। सलमान आ चुका है 9:30 बजे से। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, सो फार सो गुड, बट विल गो फर्दर एंड हैव अ लुक हाउ दिस सिटी लुक्स लाइक, एंड आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू।